अब हम शुरू करेंगे अगला चैप्टर जिसका नाम है स्टेटिस्टिकल एवरेजेस, सांख्यिकी माध्य। अब सबसे पहले हम देखें सांख्यिकी माध्य जो है उसमें कई तरह के माध्य होते हैं जिनको मैं बता देता हूं आपको। जैसे हमारे जो न्यूमेरिकल के हिसाब से काम आएंगे एग्जाम के हिसाब से, अरिथमेटिक मीन जो सिंपल एवरेज होता है वो, इसके बारे अलावा मीन मीडियन मोड जिसको बोलते हैं ना, थर्ड है मोड, फोर्थ है ज्योमेट्रिक मीन, फिफ्थ है ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन तो हम कैलकुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं आसानी से, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन के लिए आपको लोगरिथम टेबल और एंटी लोगरिथम टेबल रीड करना आना चाहिए। तो हम यहां देखें कुल मिलाकर सबसे पहले अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड ये देखेंगे, इसके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी देखेंगे और कंसोलिडेटेड वाले क्वेश्चन भी देखेंगे जिनमें तीनों मेथड्स काम में आएंगे। अब इसके लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि जो अरिथमेटिक मीन यानी सिंपल एवरेज है वो कैसे करेंगे। अभी इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, इसके लिए ध्यान रखना है कि अलग अलग तरह की सीरीज होती है, तीन तरह की सीरीज होती है। पहली होती इंडिविजुअल सीरीज, दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज, तीसरी होती है कंटिन्यूअस सीरीज। अब जैसे हमने लास्ट जो क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर का जो डिस्कस किया था वहां पर बताया था कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज कैसी होती है। इंडिविजुअल सीरीज का मतलब हर एक जो आइटम है उसकी वैल्यू अलग अलग दी हुई है। तो जैसे यहां 10 फैमिलीज हैं, हर फैमिली की अलग अलग इनकम बताई हुई है, तो ये रहेगा इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है अरिथमेटिक मीन के लिए, तो वो हम देखेंगे। अरिथमेटिक मीन जो है वो सिंपल एवरेज, जैसे आपने अंकगणित वाला जो पोर्शन पढ़ा है उसमें आपने देखा होगा कि मीन निकालते थे, वही मीन यहां पर कैलकुलेट होगा इसका, लेकिन फॉर्मूला यूज होता है स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से, तो वो हम देखेंगे। देखिए सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज के लिए फॉर्मूला काम आता है वो सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स अपॉन एन का मतलब होता है कि कुल मिलाकर जो एक्स यानी वैल्यूज दी हुई है हम सबका टोटल लगाकर नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करेंगे। ये है डायरेक्ट मेथड। इसमें शॉर्टकट मेथड भी होता है, शॉर्टकट मेथड के हिसाब से हम देख करेंगे तो वहां एक एज्यूम्ड मीन मानते हुए डेविएशन निकाला जाता है और यहां ये रहेगा सिग्मा एफ, सॉरी एफ तो होता ही नहीं इसमें, सिग्मा डीएक्स अपॉन एम। तो ये यहां पर कैलकुलेशन होगा और हम डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दोनों ही मेथड यहां पर देखेंगे। सबसे पहले सीरीज को जमा लेते हैं एक्स 30, 26, 60, 75, 200, 225, 45, 40 और 35। ये टोटल 10 डाटा दिए हुए हैं। डायरेक्ट मेथड में होगा क्या, इनका डायरेक्ट टोटल ले लिया जाता है, जो वैल्यूज दी हुई है इंडिविजुअल सीरीज की वो सभी वैल्यूज का टोटल लेंगे। मैं बुक से ले लेता हूं टोटल इसका जो किया हुआ है टोटल यहां पर, अच्छा डायरेक्ट मेथड से किया नहीं है के थ्रू किया है, तो यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं 360, 56, 57, 63, 63 और 7, 70, 70 और 210, 210 और 500, 710, 735, 940, 980, 1020 और 35, 1055। तो यहां
कुल मिलाकर ठीक है बिल्कुल सही 1055। इंडिविजुअल सीरीज के हिसाब से जब डायरेक्ट मेथड काम में लेंगे तो डायरेक्ट मेथड सिग्मा एक्स अपॉन है, सिग्मा एक्स ये हो गया, सिग्मा एक्स का मतलब है जो एक्स से उनका पूरा टोटल ले लिया, यहां पर सिग्मा एक्स हो गया 1055। ये जो मीन है अरिथमेटिक मीन जो निकलता है इसका साइन ये है, ये साइन एक्स लिखेंगे उसके ऊपर बार का निशान लगाएंगे, एक्स बार अरिथमेटिक मीन का को रिप्रेजेंट करता है ये साइन, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन, एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ आइटम कितने 10 कंपनीज के डेटा थे तो 10 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 105.50 रुपए, ये अरिथमेटिक मीन निकला डायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि ये बड़े बड़े डाटा है इनका टोटल करना है, मान लीजिए ये डाटा 100,000 परिवारों के हों तो बहुत मुश्किल आएगी कैलकुलेशन में, वेरिएशन भी ज्यादा होगा टोटल में मुश्किल आएगी, तो इसको कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए शॉर्टकट मेथड काम में लिया जाता है। शॉर्टकट मेथड में आप एज्यूम मीन मानते हैं और यहां डीएक्स निकालते हैं, डेविएशन फ्रॉम एक्स एज्यूम मीन, और यहां होता है ये एक्स माइनस ए, तो एक्स माइनस ए के माध्यम से आपको डेविएशन निकालना होता है। तो सबसे पहले एज्यूम मीन क्या है, एज्यूम मीन के लिए हमें ध्यान रखना है ऐसी संख्या को एज्यूम मीन के रूप में लेना है जो लगभग जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है उसके बीच का रिप्रेजेंटेशन करती हो लगभग। तो यहां पर हम देखें 7 सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या 500, तो लगभग यहां पर आप देखें कैलकुलेशन की वजह से तो 225 ले सकते हैं लेकिन और जो संख्या उनसे बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाएगा, तो यहां 75 लेना सबसे बेटर रहेगा ताकि मैक्सिमम कैलकुलेशन 75 के नियर अबाउट की ज्यादा फिगर्स हैं, तो कैलकुलेशन में केवल दो बड़ी फिगर्स हैं उनमें हमें थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा अदरवाइज इजीली हो जाएगा कैलकुलेशन। एक्स माइनस है, एक्स है 30, एज्यूम मीन 75, यानी इन सब में से 75 माइनस करेंगे, 30 माइनस 75 इक्वल टू माइनस 45, 4 बढ़ाएंगे माइनस 49, 7 माइनस 68 ये 0, माइनस 3 यहां पर प्लस, 500 में से 75 माइनस करेंगे तो 425, 225 में 75 माइनस करेंगे 150, 75 में से 45 माइनस करेंगे सॉरी 45 में से 75 माइनस करेंगे तो माइनस 30, माइनस 35 और माइनस 40, तो ये यहां पर इसका टोटल लेंगे क्योंकि यहां हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ए प्लस सिग्मा डीएक्स, जो डीएक्स है इसका सिग्मा करना है, सिग्मा डीएक्स करने के लिए प्लस वाली फिगर्स को अलग जोड़ेंगे माइनस को अलग जोड़ेंगे, उनका जो डिफरेंस है वो सिग्मा डीएक्स के रूप में आएगा, प्लस केवल दो फिगर्स है 425 और 150 यानी 575, और माइनस वाली फिगर जो है हमको जोड़ेंगे 45 और 49 यानी 94, 94 और 8 102, 102 102 102 162 162 112 162 165 163 195 195 5 200 230 270 575 में से 270 माइनस करेंगे तो कितने बचते हैं 305 305। अब इसको फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे एज्यूम मीन 75, फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे ए प्लस ए एज्यूम मीन 75 प्लस सिग्मा डीएक्स, डीएक्स का सिग्मा किया नेट 575 पॉजिटिव, नेगेटिव फिगर्स थी 270 इक्वल टू 305, तो 305 डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम्स 10, तो यहां होगा 75 प्लस 30.5 इक्वल टू 105.50। ये यहां पर एक्स बार कैलकुलेशन हुआ, आप देखें डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशन करें चाहे इनडायरेक्ट मेथड से करें शॉर्टकट मेथड से करें दोनों से आंसर एक ही आएगा, लेकिन आपने देखा कि यहां सारी फिगर्स को टोटल करना था 1055 आया था, यहां कंप्लीटली आपके पास जो फिगर्स है वो छोटी हो गई, छोटी होने से कैलकुलेशन में थोड़ी सुविधा होती है इसलिए शॉर्टकट मेथड काम में लिया जाता है। और ये चूंकि यहां पर बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं लगेगा लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहां पर डेसिमल में जब कैलकुलेशंस होते हैं तो वहां बड़ी मुश्किल होती है डायरेक्ट मेथड काम में लेने से, वहां शॉर्टकट मेथड काम में लेने जितना बेटर होता है। तो ये हमने अरिथमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड देखा है।
अब इसके बाद हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चीज को भी देखेंगे।